हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा राजस्थान के अंदर महिला ASI की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसके अंदर पद कितने होंगे, योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और सिलेबस क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो मैं आपके बात करता हूँ ये जो महिला ASI की वैकेंसी है इसको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। महिला ASI की वैकेंसी निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राजस्थान के अंदर जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं या उनसे जुड़े जो क्राइम हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और राजस्थान के अंदर जो महिलाओं की अधिकारियों के अंदर भागीदारी सुनिश्चित हो, इसी के लिए महिला ASI की वैकेंसी निकाली जा रही है। अब मैं बात करता हूँ महिला ASI के अंदर कितने पद रहेंगे। जो महिला ASI की वैकेंसी है उसके अंदर आपको 1000 से ज्यादा पद देखने को मिलने वाले हैं। महिला ASI के अंदर योग्यता क्या रहने वाली है, इसके अंदर ये पोस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए रहने वाली है और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की हुई महिलाएं इसके अंदर फॉर्म भर सकती है। तो ये महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है, इसके अंदर आप सीधी ASI बन सकती है। इससे पहले क्या होता था, राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आती थी सबसे पहले कॉन्स्टेबल की पोस्ट आती थी और उसके अंदर जब प्रमोशन होता था तो इसके अंदर सीनियर कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और ASI, फिर SI और फिर CI बनते थे। अब क्या किया जा रहा है, राजस्थान के अंदर सीधे आपको ASI बनने का मौका मिल रहा है। तो आप महिला ASI की जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर सकती हैं। जो महिला ASI की वैकेंसी है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति है वो कब जारी होगी, जो विज्ञप्ति जारी होगी जून के एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। हालांकि अभी तक इसको लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और इसके अंदर मैं बात करता हूँ आपके सिलेबस क्या रहने वाला है। जो महिला ASI के अंदर सिलेबस होगा, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर ASI की जो भर्ती होती है उसके अंदर सिलेबस होता है, उसी प्रकार सिलेबस महिला ASI के अंदर होगा। यानी कि राजस्थान जी के तो पूछा ही पूछा जाना है और इंडिया जी के राजस्थान करंट अफेयर्स हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग और महिलाओं की जो भर्ती है तो इसके अंदर आपको महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन और साइबर क्राइम के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार जो महिला ASI की वैकेंसी है जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं ये जो महिला ASI की वैकेंसी है क्या ये CET से बाहर होगी या नहीं होगी। जो महिला ASI की वैकेंसी है ये 100% CET से बाहर होगी। जिस प्रकार राजस्थान ASI की जो वैकेंसी है वो CET से बाहर है, उसी प्रकार ये वैकेंसी भी CET से बाहर हो सकती है। अब इसके अंदर ये पता नहीं है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसके अंदर दो पेपर होंगे या एक ही पेपर होगा। दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।